Hello and welcome to Bollywood Wala. I am back with your favorite Friday afternoon show, Sonu and his three wise men. And today we will review karenge Kangana Ranaut and Rajkumar Rao starrer Judgementall Hai Kya. My three wise men, में से दो वाइज मैन ने फिल्म देखा है, लालू जी ने फिल्म नहीं देखा और वो क्यों नहीं देखा वो खुद ही बताएंगे. बट बॉबी जी, वेलकम टू बॉलीवुड वाला. लाइक योर कैप, नॉट कीपिंग वेल येट फिल्म देखने आए, इसको कहते हैं ट्रू मूवी बफ. हाय हाय लालू जी, वेलकम टू बॉलीवुड वाला सर. वेलकम टू यू लालू जी, बट इफ यू वॉन्ट टू ग्लो योर फ्लाइंग किस, यू आर मोस्ट वेलकम. लव यू विजय जी, द मैन विद द यूजुअल थम्स अप. वेलकम टू बॉलीवुड वाला सर. बॉबी जी, मैं आपसे चालू करता हूँ. जजमेंटल है क्या, क्या कहेंगे? मैं इतना ही कहूंगा, ये दीवार है, दीवार. क्यों देखी ये फिल्म मैंने क्यों देखी. ऑडियंस पागल हो गए, पागल थिएटर के अंदर. क्या बात, मेंटल हो गई. ये पिक्चर के मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों पागल हो जाएंगे और आगरा भी जाएंगे. इतनी घटिया पिक्चर है, ऑडियंस की खटिया खड़ी हो गई थिएटर में. अरे मेरा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट कीपिंग वेल. फिर मैं फिल्म देखने आया, मैं फिल्म अच्छी होगी. 10-15 मिनट में सर दर्द देने, इतना सर दर्द देने लगा, सोचा गर्दन काट दूँ. तो गर्दन काटोगे तो इंटरव्यू में समझता कैसे खाऊंगा. आइडिया ड्रॉप किया. फिल्म इतनी घटिया है कि ये फिल्म का अगला शो शमशान घाट में होगा. राम नाम सत्य हो जाएगा पिक्चर का. 12 बजे लगी, 3 बजे पिक्चर उतर जाएगी. चैलेंज है मेरा. फिल्म चलेगी तो रेंगेगी भी नहीं. दिस फिल्म बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ हैरी मैसेजर, ट्यूबलाइट, बार बार देखो, मथुर की बिजली का मंडोला, कलंक, ये सब पिक्चर की कैटेगरी में फिल्म आती है. दिस इज एन एपिक डिजास्टर. और ये एकता कपूर को ऐसी फिल्म बनाना शोभा कपूर नहीं देता. इट्स अ डिजास्टर. बॉबी जी, वेरी 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 एंग्री. लालू जी, आपने फिल्म नहीं देखा, क्यों नहीं देखा लालू जी? क्यों नहीं देखी मैंने, क्योंकि पहले तो इसकी टाइटल ही मेंटल है. Okay. बाद में उन्होंने चेंज किया, जजमेंटल कर दिया. मेंटल मतलब पागल. ओके. Okay. और ये पर्टिकुलर सीन जो है ना, इस सीन को देखकर मैं घबरा जाता हूँ सर. ये घबरा जाता हूँ. ब्लेड वाला सीन देख. हाँ, ब्लेड वाला. आई दोनों के जीप पे है और ये सीन देखकर मेरे को सारा डर सा लगता है कि भाई पिक्चर कैसी होगी. आई डिडंट सी द पिक्चर, आई एम सॉरी अबाउट इट. ओके. लालू जी ने पिक्चर नहीं देखा. यस. विजय जी, थम्स अप दोगे जजमेंटल है क्या के लिए? तेरे टाइटल मुझे ऐसा लगा जजमेंटल. ओके. कंगना ने काम बहुत अच्छा किया. ओके. लगती है मेंटल. ओके. पिक्चर में मजा नहीं आया. बिल्कुल मजा नहीं आया. पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है. मतलब आप भी डिसअपॉइंट हो गए? हाँ, बचपन उसके माँ बाप मर जाते हैं, उसको तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती है, उनको हर इंसान ये लग रहा है कि एक दूसरे को मार देगा. स्क्रिप्ट मज़ा नहीं आया. मज़ा नहीं आया स्क्रिप्ट पे, बिल्कुल मज़ा नहीं आया. राजकुमार सस्पेंस में है, मज़ा आता है उसका काम. और कंगना रनौत टोटल मेंटल. Okay. काम बहुत अच्छा किया, बढ़िया काम किया, बहुत जबरदस्त काम किया. लेकिन पिक्चर में मज़ा नहीं आया. बिल्कुल आपको एंगेज नहीं किया? कुछ भी नहीं. पिक्चर चलेगी? नहीं चलेगी. हाउसफुल था? नहीं, 30%. ओके, ऑल राइट. बॉबी जी, मैं सच्ची बात बताऊँ, ऐसा रिएक्शन मैंने अपने 2 ईयर्स के 3 वाइजमैन शो में आपकी तरफ से नहीं देखा है. इतना मेंटल हो गया आप, मतलब. अरे मेंटल मतलब ना स्क्रिप्ट का ठिकाना, ना स्टोरी का ठिकाना, खाली कुछ भी कचरा बना के थिएटर में डाल दिया. मतलब ऑडियंस सो रही है, इंटरनल में बाहर निकला. फिर जब अंदर जाने का तो डोर कीपर ने दरवाज़ा बंद कर दिया बाहर से. मैं थोड़ा लेट हो गया, मैं फ़ोन पे बात कर रहा था तो बोला वो खोल नहीं रहा था. बोला क्यों? पर तेरे एक के लिए दरवाजा खोले, बाकी ये सब भाग जाएंगे. पब्लिक अंदर पागल हो गई है, सो रहा है कोई. मेरे बाजू में 4-5 लड़के बैठे थे, इंटरनल में एक ही बजा था, बाकी 4 कहाँ गए? अपने घर चले गए. मतलब इतनी बुरी फिल्म है ये. अच्छा, परफॉर्मेंस की बात करें तो कंगना और राजकुमार राव कैसे लगे? कंगना रावत के बारे में इतना ही कहूँगा, कंगना रावत रिक्वायर्स काउंसलिंग. वो ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन क्या बोलते हैं उसको खुद को पता नहीं. वो ऑफ स्क्रीन और ऋतिक रोशन, वरुण धवन, दीपिका पादुकोण, तपसी पल्लू के झगड़ा हो रहा है, वो वहाँ चिल्ला रही है ऑफ स्क्रीन. और यहाँ उनका गुस्सा है, राजकुमार राव पे चिल्ला चिल्ला के निकल रही है, ऐसा लग रहा है. मतलब सीज फर्स्टेड, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो ऋतिक का गुस्सा राजकुमार राव पे निकल रही है. ओके. सो शी इज़ वेरी बैड. ओके. राजकुमार राव इज नॉट टिपिकल हीरो. वो इज़ नॉट अ टिपिकल हीरो लाइक अक्षय कुमार, सलमान खान, टाइगर श्रॉफ, अजय देवगन, ऋतिक की जगह टिपिकल हीरो नहीं है वो. ओके. तो वो इज इज़ अ गुड एक्टर, नॉट नो डाउट. लेकिन पिक्चर में कुछ खास करने था ही नहीं, खास करने के लिए था ही नहीं. चलिए, ज़्यादा कुछ बात नहीं करते पिक्चर को. हाँ, कुछ है ही नहीं बोलने के लिए आपके पास शायद. ओके. गाना भी रिमिक्स किया, मिशन का आने वाला आएगा. हाँ, गाना रिमिक्स किया. ओके.
पिक्चर में कुछ है ना कहने लायक। ओके, तो पाँच में से कितना देंगे आप? मैंने पाँच में से सिर्फ दो ही दूंगा। दो स्टार कंगना को पाँच में से पाँच दे सकते हैं। ओके, काम बहुत अच्छा किया। ओके ऑल राइट, लालू जी तो इस बार कुछ रेटिंग्स दे नहीं सकता, इसलिए मैं बॉबी जी से पूछूंगा पाँच में से कितना देंगे आप स्टार्स? हाँ, अरे इसको ऑडियंस स्टार नहीं देगी, इसको ऑडियंस शार्प देगी, शार्प। इतनी फालतू पिक्चर है, इतनी फालतू पिक्चर है कि ऑडियंस थिएटर में गालियाँ दे रही है, गालियाँ भाई बाल्टी भर भर के गालियाँ दे रही है। मतलब मैं बोलूँ ना, मतलब डोंट गो एंड वॉच दिस मूवी। बताओ, नरेंद्र मोदी जी और अपना हमारे प्रेसिडेंट है और हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे ब्रेवरी अवार्ड मिलना चाहिए। ये फिल्म में पूरी देखकर जिंदा बाहर निकला, इसके लिए मुझे ब्रेवरी अवार्ड मिलना ही चाहिए। सो गाइज, डोंट वॉच दिस मूवी एट एनी कॉस्ट, यू माइट डाई इन द थिएटर। ओके ऑल राइट, सो द सेगमेंट दैट आई यूजुअली डू, थ्री ऑप्शंस, सब कुछ छोड़ के अभी जाकर देखो ये फिल्म, टाइम जब मिला और पैसा जब कम हुआ टिकट्स का तभी जाकर देखो ये फिल्म, मर भी जाना लेकिन कभी मत देखना ये फिल्म, क्या कहेंगे बॉबी जी? अरे मर जाओ लेकिन मत देखो फिल्म। ओके ऑल राइट, विजय जी द थर्ड वन। ओके ऑल राइट, देयर यू हर्ड इट फ्रॉम आवर वाइज मैन व्हाट दे हैड टू सी अबाउट कंगना रनौत एंड राजकुमार राव फिल्म जजमेंट डे। अगर आपको ये फिल्म देखनी है तो बुक योर टिकट्स थिएटर नियर बाय यू। दिस सोनू साइनिंग ऑफ फ्रॉम बॉलीवुड बला, बाय।